गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और पहली बात तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और अभी हम हैं घर पे और आपको दिखा देते हैं। जो गाय बच्चा दी थी वो यहीं पर ही है और मम्मी अभी जा रही है गाय लगाने के लिए, वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए गाइस, ये है गाय का बच्चा जो आपको एक ब्लॉग में दिखाए थे और मम्मी अभी गई है लाने के लिए गाय को। ये बहुत चिल्ला रहा है यहाँ पर, क्यों गोलू दूध पीना है? हाँ। और ये रहा मम्मी का सामान जो दूध निकालेगी मम्मी इसमें, तो मम्मी लाने गई है। आज मम्मी तो गाय को लेके आ रही है गाय लगाने के लिए और ये बहुत छटपटा रहा है गाय के लिए दूध पीने के लिए। देखिए कैसे कर रहा है ये बच्चा को। और मम्मी अभी दूध लगाएगी। देखिए गाइस, मम्मी स्टार्ट कर दिए दूध निकालना जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और गोलू के देखिए, मतलब गाय का बच्चा इधर ही है। चलिए मम्मी तो अपना काम कर रही है, चलिए हम अपना काम करते हैं। और बस, और आप लोग को सिर्फ शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि मैं एक बच्चा दिए, दो बच्चे दिए हैं, वो भी आप लोग दिखा देते हैं इस ब्लॉग में। चलिए दिखा देते हैं। यही है गाय बकरी के दो बच्चे। देखिए लोग भाग रही है, हम लोग आ गए तो। और सिर्फ इन लोग का 6 दिन हुआ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। और इसकी मम्मी को भी दिखा देते हैं। देखिए इधर है, ये नहीं है वो, ये वाली है, मतलब दो है मेरे पास, तो ये है उन लोग की मम्मी। देखिए इधर है, अभी कुछ दिन के बाद, ये भी कुछ दिन के बाद बच्चा देने ही वाली है, ये भी आपको दिखाई देंगे। हम आ गए अपने जगह पे जिसका हम लोग, हमको जहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे छोटा सा ही खेत है, यहाँ पर अभी छत नहीं हुआ है तो यहीं पे मम्मी थोड़ा बहुत कर लेती है खेती। और ये लगा हुआ लहर का है, हम लोग इधर बोलते हैं लहर। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या बोलते हैं। और इधर परोर का भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। और आप लोग दिखा देते हैं कहाँ हमको काम करना है। गाइस, यहाँ पे हमको काम करना है, ये ज़मीन पर हमको कोड़ना है। और कोड़ने का सामान ये रहा, इससे ही कोड़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ का कुछ व्यू देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह का ही है, देख लीजिए गाइस। चलिए हम लोग काम करते हैं। A few moments later. गाइस, काम तो हो गया है, आप लोग को दिखा देते हैं थोड़ा। और पूरा गर्म पसीने से भींग चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और धूप भी आ गया है इसलिए हम सुबह ही काम कर रहे थे। चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने काम कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, मेरे पैरों के निशान थे। और जिस जो भी था इसमें पत्थर घास वूस वगैरह ये सब निकाल दिए हैं। गाय मम्मी लगा दिए और यहाँ पे आ गए हैं अपना गाय और उसका बच्चा। और इधर पे देखिए, इधर पे हमारी दो बकरियाँ, इन लोग को खाना पीना मिल गया है और अभी गाय को मिलेगा खाना। और ये देखिए दो नन्हे मुन्ने बच्चे जो साथ में बैठ के रहते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये देखिए मम्मी भी खाना लेके आ गई है गाय के लिए। और ये रहा गाय का खाना, गाय खाना खा रही है। और इधर गोलू भी अपना दूध पी रहा है। नहा धो के रेडी हो चुके हैं और खाना भी आ चुका है, चलिए आपको खाना दिखा देते हैं। आज ये है आज का सुबह का नाश्ता। और इधर देख लीजिए 9 भी बजने वाला है और 9 बजे कहीं जाना भी आपको बताते हैं खाना खाने के बाद। खाना पीना तो हो गया है, आप लोग को बता दो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं गाइस, मेरा एग्ज़ाम का सेंटर है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्कूल में। तो क्यों गाइस, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम तो है नहीं, लेकिन साइंस वाले का एग्ज़ाम है आज, तो मेरा दोस्त है उसको ले कर जा रहा हूँ मैं। तो चलिए आप लोग को स्कूल में डायरेक्ट मिलेंगे, दिखा देंगे कि मेरा सेंटर पड़ा है कैसा है। चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइज, हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हमारा सेंटर यहाँ पे कुछ इस तरह है, आप लोग को दिखा देते हैं बाहर का व्यू, आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो चला गया अपना एग्जाम देने के लिए और मैं आ चुका हूँ एक तालाब के पास, तो स्कूल के ही बगल में ही है। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पे कमल का फूल है पूरा का ही पूरा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ।
कि गाइज आप लोग का यह कमल का तालाब पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी तक देख रहे हैं तो। और गाइज अभी तो वेट करना होगा उन लोग के लिए, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट के बाद उन लोग का छुट्टी होगा। तो गाइज अभी इधर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं वहीं पर जाके वेट करता हूँ। जब तक उन लोग नहीं आता तब तक वेट ही करना होगा। चलिए मिलते हैं उन लोग जब तक नहीं आ जाता है। फाइनली गाइज उन लोग का हो रहा है छुट्टी, और अब उन लोग आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है यहाँ पर, तो शायद उन लोग भींग के ही जाएंगे। गाइज ये रहे हमारे दो फ्रेंड, और ये आ रहे हैं। अभी छुट्टी हो गया और चलते हैं घर, अभी थोड़ा बारिश भी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फाइनली गाइज मैं अपने घर पे पहुँच चुका हूँ, और आप लोग जैसे कि देख ही रहे थे कि बारिश हो रहा था और थोड़ा सा भींग गए थे, तो कपड़ा चेंज कर लिए हैं। और मेरा आज एग्ज़ाम भी नहीं था, तब भी मैं गया था अपने दोस्तों को लेके। तो गाइज अपने फ्रेंड लोग को टैग जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।